कानपुर कैंट सीट से सपा प्रत्याशी मोहम्मद हसन रूमी ने मंगलवार को क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान हसन रूमी ने कई जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कई इलाकों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में जनता से वोट मांगे। हसन रूमी ने बताया कि पहले कचहरी में अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर उनसे भी सहयोग मांगा है। देखिए, आज हम मंगला विहार सेकंड में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सहयोगी घटक राम सिंह राजपूत जी के अध्यक्षता में बुलाई गई रिटायर्ड सम्मानित फौजियों के द्वारा बुलाई गई एक बैठक है। इस बैठक में आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को यानी कि मुझको वोट डालने के लिए अपील की गई है। और अभी हम लोग सवेरे मिल कचहरी के अधिवक्ता साथियों से मिलकर आए हैं और जो माहौल दिख रहा है पूरे देश का फौजी परेशान है। आज हमें लग गया कि सारे हमारे फौजी भाई हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उन लोगों ने लगातार डोर टू डोर संपर्क किया है हर जगह जाकर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार बनने जा रही है, गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रही है, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।